अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी शाश्ते। मेरा नाम अदील है। एना शान हम सदर्न कैलिफोर्निया में रहने वाली एक क्रॉस कल्चर फैमिली हैं जनाब। इस यूट्यूब चैनल के जरिए हम आपको अमेरिका की सैर कराएंगे, यहाँ का कल्चर, यहाँ के फेस्टिवल, आउटडोर एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों में आपको अपने साथ शामिल रखेंगे और साथ ही साथ हमारी फैमिली अपनी लाइफ यहाँ कैसे गुजारती है ये भी आपको दिखाएंगे। Take a picture here. Assalamu alaikum and welcome from Page, Arizona. इस वीडियो में हम दुनिया की डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्लॉट कैनियन बक्सकिन गल्च की हाइक करने वाले हैं। हाइक के दौरान आप 700 साल पुरानी पेट्रोग्लिफ्स भी देखेंगे। सो बकल अप एंड हैव फन विद अस। दोस्तों ये देखें, ये हमारे पीछे हाईवे है। हमने किया ये है कि हाईवे से अपनी गाड़ी यहां मोड़ी है और अब हम जो है ये डर्ट रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जो ट्रेल हेड है जहां से हमने अपनी हाइकिंग स्टार्ट करनी है वो इस जगह से कुछ 8 मील के फासले पर है। तो अगले 8 मील तक हम जो है वो इस डर्ट रोड पे यानी कच्चे रोड के ऊपर गाड़ी चलाएंगे। बारिश होने का इम्कान हो या रिसेंटली बारिश हुई हो कभी भी इन इलाकों में आप मत आइए, क्योंकि अभी भी आप ये देख सकते हैं टायर ट्रैक्स, अभी तो यहाँ बारिश नहीं हुई है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर बारिश हो जाए तो ये मट्टी बिल्कुल नरम होती है, आपके टायर धंस जाते हैं, मुमकिन ही नहीं है कि आप यहाँ गाड़ी ड्राइव कर सकें। दोस्तों ये साइड पे देखिए आप हमारे ये कैटल यानी के जानवर जो है, और ये देखिए आप मुख्तलिफ रंगों में, इनमें कुछ लेफ्ट साइड पे जो है वो हमने देखी थी अभी, वो भूरे रंग में, वो तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सो क्यूट। हेलो बेबी, लुक एट द क्यूटीज, लुक एट ऑल द लिटिल बेबीज, हाय। तो रिसेंटली बाहर का मौसम था तो जाहिर है जानवर बच्चे थे, और ये जो काले रंग में है यहाँ यूएस में हम इन्हें ब्लैक एंगस के नाम से ये जो ब्रीड होती है वो कहलाती है। कैटल गाड़ी जिसके ऊपर से हम गुजरने वाले हैं, इसका मकसद ये होता है कि इन इलाकों में जानवर जो हैं वो लोग पालते हैं फ्री रेंज, यानी आपको ज़ाहिर चारा वारा डालने की जरूरत नहीं होती, तो वो कहीं पे भी जाकर खा पी लेते हैं। तो उनको अगर आपने कहीं जाने से रोकना हो तो रास्ते में ये लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जानवरों को ये डर लगता है कि इसमें उनके पाँव या तो फंस जाएंगे या वो इसमें गिर जाएंगे। तो जब वो ये देखते हैं इस तरह की ये जो रेलिंग टाइप की लगी होती है ज़मीन के अंदर, तो वो फिर उससे उस जगह को क्रॉस नहीं करते, उससे पहले ही मुड़ जाते हैं वापस। पार्किंग लॉट के एरिया में आ गए हैं जहां पर हम गाड़ी पार्क करेंगे एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हम अपनी हाइक को स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम हैं वायर पास के पार्किंग लॉट के अंदर, और कुछ हाउसकीपिंग चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। यहाँ आपको आने के लिए डे यूज़ पास की ज़रूरत होती है, जिसके लिए $6 लगते हैं पर पर्सन। एडल्ट्स के लिए भी आपको पे करना पड़ता है, बच्चों के लिए भी, और इवन अगर आप अपने पैक्स लेकर आ रहे हैं तो वो भी। तो $6 डे पास प्रिंट कर लिया करें ऑनलाइन फर्स्ट। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर वाईफाई बिल्कुल स्पॉटी है। इन पास्ट यहाँ पर जो है वो मैनुअली भी वो करते थे, लेकिन अब ये थ्रू ऑनलाइन है ओनली। ठीक है जी। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे बैकग्राउंड में वॉल टॉयलेट्स हैं। हाइक के दौरान कहीं भी वॉशरूम्स नहीं है। ऑब्वियसली आप विल्डरनेस में, तो मेक श्योर करें, हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने वॉशरूम जो है वो यूज़ करके हाइक करें।
Secondly, information regarding the trail. ये कुछ information है जो कि यहाँ से आप ले सकते हैं. Obviously, rangers भी available हैं. अगर आपके कुछ questions हों तो उसमें वो आपकी help करते हैं. Secondly, जब आप hike पे जाएँ तो make sure करें कि जिस तरह ये खातून जो है sign in कर रही हैं, आप check in करें कि आप आए थे और वापसी पे चेक आउट करें. ये चेक रजिस्टर इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर है विल्डरनेस है, कुछ पता नहीं होता, अगर बारिश वगैरह हो जाए तो इम्पॉर्टेंट है ये करें, क्योंकि यहाँ पर जो रेंजर्स हैं उनके लिए इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए जो वाहिद ज़रिया है वो यही है कि वो यहाँ आकर देखते हैं कि लोगों ने जिन्होंने चेक इन किया, अगर खुदा ना खास्ता डे के एंड पे उन्होंने चेकआउट नहीं किया तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम को वो सेंड आउट करें लोगों को ढूंढने के लिए. हमारे जूनियर रेंजर्स जो हैं वो हाइक के लिए रेडी हैं. आर यू गाइस एक्साइटेड? इस हाइक पे जाने से पहले कुछ प्रिकॉशंस हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे. प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप वेदर रिपोर्ट देखें. अगर फ्लैश फ्लड वार्निंग्स हैं तो प्लीज़ इस हाइक को अवॉइड करें क्योंकि वो जानलेवा साबित हो सकती हैं. इस इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो पीक समर सीज़न में भी इस हाइक को अवॉइड करें. जब आप पार्किंग एरिया में पहुंच जाएंगे ट्रेल हेड के पास, वहां से ऑनवर्ड्स कहीं पे भी रास्ते में वॉशरूम की सहूलत अवेलेबल नहीं है. इसी तरह पार्किंग एरिया के बाद सेल फोन सिग्नल्स और खाने पीने का कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि अपने साथ कुछ स्नैक्स और अच्छा खासा पानी आप साथ लेकर चलें. जूते कंफर्टेबल पहनें और सनस्क्रीन जो है वो ज़रूर अपने साथ, या तो आप उसी वक्त इस्तेमाल कर लें या साथ ज़रूर लेकर जाएं. होपफुली ये टिप्स इस हाइक में आपके बहुत काम आएंगी. Hi guys, and I want to tell you, I highly recommend, again, you should take a picture here. इंतहाई पुरकशिश और शानदार हैं ये मनाजिर, और इन्हें देखते ही इंसान की जुबान पर सुभान अल्लाह आ जाता है. एंड वी आर कमिंग टू द फर्स्ट नैरो पार्ट. यहाँ से स्लॉट कैनियन का आगाज़ होता है. ये अभी फिर भी काफ़ी चौड़ी है. हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये और स्किनी और स्लिम होती जाएंगी. हमारी हाइक जारी है जनाब, ट्रेल मार्कर टू मेक श्योर कि आप गलत रास्ते पे ना चले जाएं. और अब हम एक और नैरो पैसेज में से गुजरेंगे. ये देखें जनाब, अब जैसे जैसे सूरज अभी गायब हुआ तो इन लेयर्स का कलर चेंज हो गया. Hi, are you hiking today? Oh my goodness. Okay, we'll go. The hat of badges. Yes. You must be a junior ranger. Yes. Good job. Keep it up. Make our hiking safe. Yes. Thank you. ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं कैमरा घुमा रहा हूँ सूरज की रोशनी जैसे जैसे डिफरेंट स्पॉट्स पे हिट कर रही है, इन रॉक्स के कलर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हैं. यहाँ पर आने वाली है अब लैडर जिसके ज़रिए हम नीचे उतरेंगे. आगे हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैनियन में. ये लैडर यहाँ पर पहले नहीं हुआ करती थी. यहाँ पर सिर्फ जो है ना एक ब्रांच थी दरख्त की,
तो होपफुली हम अपनी पास्ट वीडियोस में से या पिक्चर्स में से वो शेयर करने की कोशिश करेंगे. तो दिस इज मच ईजियर नाउ. अब हम जो हैं ये इनिशियल कैनियन से एग्जिट करने वाले हैं. क्लियरिंग आ रही है. अब देखें जैसे जैसे सूरज नज़र आ रहा है इनका कलर रॉक्स का बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है. और हम जैसे यहाँ पर टर्न अराउंड करेंगे तो ये जो फॉर्मेशन है वो भी बहुत कमाल की है. ये देखिए पानी और हवा की वजह से ये जो इरोजन होती रहती है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन लेयरिंग जो है आप देख सकते हैं. We are a mile and a half into our hike. This is snack time. What are you having, mister? An apple? Shiny? Some chips. Good. Are you guys ready to have some playtime here? This would be a fun place to hang out then. हम जरा थोड़ा ये ऊपर आए हैं. शान जो है ये रॉक क्लाइंबिंग करना चाह रहा था थोड़ी सी. ये वो स्लॉट कैनियन की एग्जिट है जहाँ से हम नैरो पोर्शन में से आए थे. ये देखें ये अभी अभी एक हाइकर बाहर निकला है. जनाब ये शान साहब जो हैं ये आवाज़ नहीं आ रहे. इन्होंने टॉप तक जाना था तो अब इनकी ख्वाहिश के चक्कर में हमें भी यहाँ ऊपर आना पड़ा है. मैं ऑनेस्टली जो है स्केयर्ड हूँ हाइट से. मुझे हाइट्स पे जाकर डर लगता है. लेकिन अब ये जूनियर रेंजर साहब जो है ना इनको चूंकि जाना है तो इनके लिए हम फॉलो करेंगे. ऊपर आना तो बहुत आसान था लेकिन नीचे जाना वाकई डिफिकल्ट है. तो रजा जो है वो अपने बट्स का इस्तेमाल करते हुए स्लोली या वो जो है वो स्लोली स्लाइड करता हुआ वापस नीचे जा रहा है. ये देखें जनाब अब जगह इतनी है कि सिर्फ ये दो बच्चे आपस में एक साथ खड़े हो सकते हैं. तो ये नैरो होती जा रही हैं. अब इस वक्त हम कैनियन के बिल्कुल मिडल में हैं और बहुत ही जगह जो है खूबसूरत है. सैंड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट. It's just insanely beautiful. और ये जनाब वायर पास ट्रेल जो है उसका एंड है. ये वो स्लॉट कैनियन है जिसमें से हम आए. लुक एट द शियर साइज ऑफ दीज क्लिप्स. अमेजिंग ब्यूटिफुल रेड रॉक्स. और ये
में रहा वो एम्फीथिएटर। यहाँ पर एक चीज बहुत ही अमेजिंग है। वीडियो के स्टार्ट में शायद मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पेट्रोग्लिफ्स हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ 800 साल से 1000 साल पुरानी हैं। बिग हॉर्न शीप। और अब मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करता हूँ तो हमें जो है वो एक स्नेक जो है वो नज़र आएगा। ये देखें आप, ये कुछ डॉटेड लाइंस हैं। ये वायर पास का एंड था और ये एरिया इंटरसेक्शन जो कि टी बना हुआ है, टी की सूरत में देखें, वहाँ से यूँ और बीच में से ये लाइन इस तरह से, ये और यूँ। तो ये जो है बिग गल्च जो कि दुनिया की टॉलेस्ट और डीपेस्ट स्लॉट कैनियन है, ये उसका रास्ता है। अगर हम ये इस तरफ लेफ्ट की तरफ जाएं तो ये अपर है गल्च, और इस तरफ जाएं तो ये दूसरी साइड है। हम इस तरफ जाएंगे। हमें सुबह रेंजर्स ने बताया था कि कुछ थोड़े से ही डिस्टेंस के बाद वहाँ काफ़ी पानी जमा हुआ हुआ है, तो कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो हम वहाँ तक ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक पानी है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके जब इस जगह पर बारिश होती है तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। याज ही टाइम ख़त्म। हमने अभी थोड़ी देर रेस्ट किया, कुछ स्नैकिंग की, बच्चों ने सैंड में थोड़ी देर खेला, और अब हम इस वक्त बक्सकिन गल्च की ट्रेल पर हैं। यहाँ से हम कुछ हाफ अ माइल टू अ माइल हाइक करेंगे, क्योंकि हमें पहले ही सुबह इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वहाँ कुछ पानी है, तो हम इंटेंशनली उस तरफ जा रहे हैं। ओके जनाब, अब हम कैनियन के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ पानी जमा होना स्टार्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब हम क्विकली कोशिश करेंगे जितनी जल्दी कुछ सफ़र तय कर सकें। जनाब, ये कहते हैं यहाँ पर कि जब रेनी सीज़न होता है तो ये पानी जो है आपके चेस्ट हाइट तक, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। हम ये पडल्स जो हैं इनको क्रॉस करते हुए जाएंगे। आगे आई थिंक अराउंड द कॉर्नर वो जगह आ जाएगी जहाँ आपको बेसिकली आप या तो वाटर शू अगर आपने पहने हुए तो यू आर फाइन, अदरवाइज आपके जूते तो डेफिनेटली गीले हो जाएंगे या फिर उनको उतारना पड़ेगा। हम जिस जगह पे मौजूद हैं, स्लॉट कैनियन यहाँ से मजीद 10 मील और आगे तक जाती है, जो कि तकरीबन बनते हैं रफली 15 किलोमीटर। तो सारा तो रास्ता हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक मज़ीद और आगे जा सके वहाँ से फिर रिटर्न हो जाएंगे। हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब वापसी का टाइम हो गया है, तो वापस जाते हुए हमने कहा कुछ ये आखिरी लम्हात में।
Okay, now. Oh, the ladder. We're back. On the way back. We're at the ladder. जनाब हम इस वक्त वापस पार्किंग लॉट की तरफ रवा दवा हैं। आई थिंक जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ से तकरीबन क्वार्टर और हाफ अ माइल के दरमियान रास्ता है, तो अगले 10 मिनट में होपफुली हम पार्किंग लॉट तक पहुँच जाएंगे। हमारी हाइक हो गई ख़त्म। जब हम हाइक पर गए थे तो उस वक्त हमने साइन इन किया था, अब चूँकि हाइक ख़त्म हो गई है तो हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम साइन आउट करें। खवातीनों हजरात, इस वक्त भूख से हमारा दिवालिया निकल चुका है। खाने में हमें आज ईरानी खाने का इंतज़ाम है, तो ये जो है ये कहलाता है कश्के बदम जान, उर्दू में बोले तो बैंगन। एग प्लांट से ये बनता है, उसमें क्रीम चीज़, फ्राइड अनियन और ड्राइड मिल्क डालते हैं। ये जो रोटी है इसे कहते हैं लैविश ब्रेड, ठीक है जी। ये बिल्कुल पतली होती है, चपाती की तरह देखें कितनी आसानी से बैंड हो रही है। और ये जो कबाब है, कराची में आई थिंक शायद लोग इसे चुल्लू कबाब शायद कुछ कहते हैं, लेकिन होते ये हैं कुबेदे, इसे कुबेदे बोलते हैं। और साथ में उसके वो एक जो है बारबेक्यू टोमेटो, राइस उबले हुए सिंपल, उसमें सैफ्रन डालते हैं। अच्छा, एक चीज़ ईरानी भी बड़े कॉमनली खाते हैं जो कि शायद पता नहीं आप लोगों को पता होगा, ईरानी प्याज जो है कच्चा प्याज ये बहुत खाते हैं, पुदीना, बेजल। और ये जो है ये सुमक, उर्दू में पता नहीं से क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा हल्की सी खट्टा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जैसे चाट मसाले में थोड़ा सा हिंट होता है ना, उसी तरह का ये मसाला होता है। ये कबाबों पर डालते हैं और चावलों के ऊपर बटर। तो जनाब भूख जो है उसने इस वक्त दिवालिया निकाल दिया, अब हम खाएंगे खाना और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। दोस्तों कल पूरा दिन 11 घंटे की ड्राइव करने के बाद आज तकरीबन 7.5 माइल की हाइक, जो कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर बन जाती है, तो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू रिलैक्स, क्योंकि अब बस हो गई है। बट वी हैड अ ग्रेट टाइम, तो अब हम थोड़ी देर के लिए जो ये हाथ स्पा इन्जॉय करेंगे हॉट टब में, और फिर इंशाल्लाह ताला कल कुछ नई जगहों के साथ आपसे मुलाकात। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले एडवेंचर्स आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें।